मैंने लिया है 45 डेज का ट्रेडिंग चैलेंज, जिसमें मैं देखने वाला हूँ क्या मैं 45 डेज में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाऊंगा, जिसका आज डेट 28। सो गाइस, आज का दिन स्टार्ट होता है सुबह सुबह 6 बजे बैडमिंटन खेलने के साथ। फिर गाइस, घर आते आते बज चुका था 9 और फिर आते ही हम बैठ गए अपने ट्रेडिंग सेटअप पर और लगाए कुछ इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो हमारे आज के मार्केट के लिए काम आएंगे। फिर गाइस, मार्केट खुला आज पूरा गैप अप। खुलने के बाद मार्केट में थोड़ी बहुत बाइंग दिखने मिली हमें, जिसमें मेरा आज फर्स्ट हाफ में थोड़ी बहुत ट्रेड मिस तो हो चुका था। फिर मैंने सोचा कि मैं टॉप में जाके थोड़ी बहुत स्कैल्पिंग करूंगा, जो कि एक से दो कैंडल में मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा। इसीलिए आज निफ्टी में एक टॉप में मुझे बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिला, इसलिए मैंने एक लॉट से यहाँ ऑप्शन सेलिंग किया हुआ था। ट्रेड लेने के बाद मैंने सोचा कि इसे ज्यादा होल्ड नहीं करूंगा, एक से दो कैंडल में एग्जिट कर दूंगा। इसीलिए मैंने 22,160 में एक अच्छा सपोर्ट था और मैंने वहां पे एग्जिट कर दिया और पहला ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हुआ 235 रुपीज का। फिर गाइस, मार्केट हो गया था पूरा साइडवेज। साइडवेज होने के बाद मार्केट में ना ही स्पॉट का चार्ट में ना ही प्रीमियम का चार्ट में मूव कहीं नहीं आ रहा था। इसीलिए मैंने क्या अपना सेटअप का इंतजार, जिसमें मैंने निफ्टी को देखा कि निफ्टी ट्रेंड लाइन में सपोर्ट ले रहा था, जिसमें पहला टच, दूसरा टच और यहाँ पे तीसरा टच निफ्टी ने ले रहा था। जैसा निफ्टी में एक बाइंग कैंडल आया ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके, वैसा मैंने एक लॉट से यहाँ पे ट्रेड लिया और ट्रेड लेने के बाद अपना टारगेट रखा निफ्टी का डे हाई तक। और ट्रेड लेने के बाद मुझे सेकंड ट्रेड में प्रॉफिट हुआ 402 रुपीज का। और ओवरऑल बात करूं मैं अपने आज के दिन का, तो 568 रुपीज प्रॉफिट है आज मेरा। फिर गाइस, मेंटेन किया हमने अपना एक ट्रेडिंग जर्नल, जिसमें मैंने लिखा डे 28 568 रुपीज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट 9,670 रुपीज। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट।